पूजा की कत्लों को फांसी दो, फांसी दो, जस्टिस, फ्री फॉर जस्टिस, फ्री फॉर जस्टिस, जस्टिस, फ्री फॉर जस्टिस, फ्री फॉर, हमें अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है, फ्री फॉर जस्टिस, फ्री फॉर जस्टिस, फ्री फॉर जस्टिस, अपनी बच्ची थी मेरी, ये बच्ची को ब्रूटली किल्ड किया गया है। हमें इसकी पोस्टमार्टम जिसका फ्राइडे को किया गया था, फ्राइडे से लेकर आज तक हमें उसकी कोई कॉपी नहीं दी गई। हम पुलिस के पास जाते हैं, वो कहते हैं अभी हमारे पास कॉपी नहीं पहुंची है। कातिल जो है वो सब फ्री आजाद बैठे हुए हैं, किसी को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया है। हमारी यही अपील है पुलिस से भी, आईजी साहब से, गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है और पार्टियां बहुत सी हैं, बीजेपी है, हमारी उनसे यही अपील है कि कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इस बच्चे को इंसाफ मिले, क्योंकि हमारी अपनी बच्ची है। हमारे गुरु नानक देव जी महाराज ने ग्रंथ साहब में लिखा है, सो क्यों मंदा आख ये जिद जमेरा जान, जो बेटी बादशाह को, राजाओं को, पैगंबरों को, अवतारों को जन्म देती है, उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए तो फिर ये बेटी कहाँ जाएगी? ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाले आज कहाँ है? हमें उस इंसाफ चाहिए उस बच्ची के लिए, उसके जो कातिल हैं उनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि अभी तक 6 दिन हो गया, कोई भी रिपोर्ट पोस्टमार्टम की अभी नहीं पहुंची है। तो हमारी अपील है गवर्नर साहब से भी कि वो खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट करके जितने भी कातिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बेटी का मामा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है इस बात का कि इन्होंने ऐसा मर्डर किया है। ऐसा आप देखें, ये कश्मीर की लड़की का मर्डर हुआ और इतने बेरहमी से इसका कत्ल किया गया, जिसमें ये 5-10 लोग घर के जो सारे इन्वॉल्व हैं। हम चाहते हैं कि हमें इस आपके मीडिया के थ्रू हमें कोई इंसाफ मिले। अल्लाह के आगे तो फरियाद है, आपके आगे हमारी दरख्वास्त है कि अगर आप चाहें तो इनको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं। अभी तक वो लोग बाहर हैं, हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हमारे साथ इंसाफ हो रहा है कि गलत हो रहा है। यही है जी, वो अपनी भाभी के साथ उसके कुछ तलुकात थे, नजायज तलुकात जिसको कहते हैं सब, और हमारी बच्ची ने इंसेंट उसको देखा और उसने कहा अब इसको मैंने मारना ही मारना है।